रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। ये इतनी सारी गाड़ियाँ बर्फ़ में कहाँ जा रही है और क्या अपने जो गंतव्य स्थल है वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची, इसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसे नज़ारे दिखाएंगे। और यहाँ जो ये गाड़ियाँ निकल रही थी उससे पहले हमारी सीमा के ऊपर डटे हुए BRO के जवान, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने इस जो बर्फ़ है इसको रिमूव किया मनालीले हाईवे पर। और उनके लिए आप ज़रूर जय हिंद लिखिएगा और उत्साहवर्धन के लिए सैल्यूट भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टीम मेंबर के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। और थोड़ी सी आवाज़ें सुनिए और उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश का दूरस्थ इलाका जहां सदैव इस प्रकार की बर्फ विद्यमान रहती है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के लिए मंत्री महोदय, यहां के मंत्री महोदय हैं वो, उनका काफिला गुजरा और BRO ने पहले रोड साफ किया मनाली हाईवे और केलांग की ओर जा रहे थे। और रास्ते में ज़्यादा बर्फ होने की वजह से देख सकते हैं गाड़ियां नीचे दबी हुई है रोड साइड। आपको और भी दिखाऊंगा मैं एक क्लिप जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दो तीन गाड़ियां दिखाई दे रही होगी आपको, ये चबूतरे नहीं है, गाड़ियाँ दबी हुई है इस प्रकार, और इनकी बर्फ़ रिमूव करनी पड़ती है नहीं तो ये जम जाती है। तो मंत्री महोदय ज़्यादा बर्फ के कारण वो नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह उनके आदेश अनुसार दूसरे व्यक्तियों ने ध्वजारोहण किया क्योंकि गणतंत्र और ध्वजारोहण होना ज़रूरी था। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है कितना एक्सट्रीमली कोल्ड यहाँ हो जाता है, -20 डिग्री तक तापमान चला जाता है। और ये सामने गाड़ियाँ दिखाई दे रही है जो बर्फ़ के नीचे दब जाती है। और यहाँ जो ये मिलियांग होम स्टे है, और यदि आप ये खुला रहते हैं, शिशु से आगे अटल टनल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और स्नोफॉल भी होने वाला है और इग्लू भी बनाने वाले हैं, मौसम जैसे ही क्लियर होता है तो इग्लू बनाएंगे निश्चित रूप से आपके लिए। और ये डेली का काम होता है, बर्फ़ रिमूव करनी पड़ती है नहीं तो जम जाती है। और जो मकान है या होटल है या होम स्टे है देख सकते हैं दूर दूर तक सब यही काम कर रहे हैं। अभी तो ये आसान है निकालना इस बर्फ़ को, नहीं तो बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें